नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना नागिया हूँ। मैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली स्थित अपोलो कैंसर इंस्टीट्यूट में कैंसर विशेषज्ञ हूँ और रेडिएशन द्वारा कैंसर के ट्रीटमेंट में स्पेशलाइज करती हूँ। आज मैं आपको कैंसर सर्विक्स के बारे में बताना चाहूंगी। देखिए, ये हम सबको जानने की जरूरत है कि कैंसर सर्विक्स इंडिया की महिलाओं का सबसे कॉमन कैंसर है। इस बारे में, इस विषय के बारे में जागरूकता बहुत कम है। हैरानगी की बात यह है कि ये एक प्रिवेंटेबल कैंसर है। विश्व के 25% कैंसर सर्विक्स केसेस जो हैं, वो इंडिया में हैं, और ये हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसलिए सब महिलाओं को इसके बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है। देखिए, सर्विक्स जो है, उस शब्द का मतलब है गर्भाशय की जो ओपनिंग है, कि जो ग्रीवा है, यानी कि जो बच्चादानी का मुंह है, उसको हम सर्विक्स कहते हैं, और कैंसर सर्विक्स यानी कि इस जगह का कैंसर। तो लिहाजा ऑब्वियस सी बात है कि इस जगह में प्रॉब्लम होने से मेन हमारी जो कंप्लेंट जो लेडीज को फेस करना पड़ता है वो है ब्लीडिंग, यानी कि खून का रिसाव। तो या तो वो इन बिटवीन पीरियड्स, यानी कि मासिक नियम के अलावा भी खून जाना, ये एक इसका मुख्य लक्षण है। इसके अलावा गंदे पानी का रिसाव होना, पेट के निचले भाग में या कमर में दर्द होना, और कभी कभी एडवांस स्टेजेस में पैर में सूजन और टांगों में दर्द होना, ये सब इसके लक्षण है। तो देखिए, इस सब्जेक्ट के दो भाग हैं। एक तो ये हुआ कि हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, और दूसरा भाग जो है वो ये है कि इसको हम क्या अर्ली स्टेज या प्री कैंसर स्टेज में पकड़ सकते हैं। तो प्रिवेंशन और अर्ली स्टेज या प्री कैंसर स्टेज में पकड़ने का एक अहम पार्ट है रेगुलर चेकअप। सब महिलाओं को जिनके यौन संबंध हैं, जो हमारे देश में जैसे बहुत छोटी उम्र में महिलाओं की शादी हो जाती है और इस कारण से वो इस बीमारी से ज्यादा प्रोन हो जाती हैं, इस हमें उनको ये जानने की जरूरत है कि एक रेगुलर चेकअप यानी कि पैप स्मियर अगर वो कराएं सही टाइम पे, हर 3 साल में एक बार अगर रेगुलर पैप स्मियर कराएं, तो इस बीमारी से हम से उनको प्रिवेंट किया जा सकता है, यानी कि इस बीमारी को प्री कैंसरस स्टेज में पकड़ा जा सकता है, और खुदा न खास्ता अगर बीमारी हो गई है तो उसको अर्ली स्टेज में पकड़ा जा सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है रेगुलर पैप स्मियर। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें लोग कैंप कंडक्ट करते हैं, पब्लिक हेल्थ रीजन से, लोगों का भला करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ कैंप करते हैं। हेल्थ कैंप में कभी कभी पैप स्मियर कर पाना लॉजिस्टिक्स के तौर पे बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में एक टेस्ट है विया, विया यानी विजुअल इंस्पेक्शन बाय एसिटिक एसिड। ये बहुत आसान सा टेस्ट है, ये मास स्क्रीनिंग कैंप्स में किया जा सकता है, और सारी संस्थाएं जैसे रोटरी, लायंस वगैरह, जो भी एनजीओज हैं जो हेल्थ सेक्टर में काम करती हैं, उनको इस बारे में सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए, क्योंकि लाइफ में अगर एक बार भी महिला का विया या पैप स्मियर टेस्ट होता है तो उससे कैंसर सर्विक्स की हमारी जो नेशनल इंसिडेंस है उसमें 20-30% की कमी आएगी। इतनी इम्पोर्टेंस है पैप स्मियर करने की। तो ये तो रहा अर्ली डिटेक्शन या प्रिवेंशन का एक भाग, और दूसरा भाग है वैक्सीनेशन। उसके लिए हमें ये जानना है कि कैंसर सर्विक्स जो बीमारी है वो होती है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन से। तो कई प्रकार के ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो हैं वो कैंसर सर्विक्स कॉज करते हैं। अब 2 वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, गार्डासिप और सर्वरिक्स, जो लगभग 70% ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो कैंसर सर्विक्स कॉज करते हैं उनको, उनकी इन्फेक्शन से लेडीज को प्रोटेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लेडीज पैप स्मियर ना कराएं उसके बाद, बट यस, अगर वैक्सीन सही टाइम पे लग जाए, यानी कि पहले यौन संबंध से पहले अगर वैक्सीन लग जाए, तो ये देखा गया है कि बहुत अच्छी उससे प्रोटेक्शन होती है लगभग 70% कैंसर सर्विक्स कॉज करने वाली ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से
प्रोटेक्शन हासिल होती है। आज की तारीख में हमें ये पता है कि ये प्रोटेक्शन 10 साल तक लागू है, आगे कितनी देर लागू रहेगी ये अभी समय बताएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि हर स्टेज में कैंसर सर्विक्स का ट्रीटमेंट संभव है, इसको जड़ से खत्म करने की पॉसिबिलिटी अच्छी रहती है। जब पहली स्टेज की बीमारी हो और कोई बहुत शुरुआती स्टेज 2 बीमारी हो तो इसमें सर्जरी का रोल है जिसमें बच्चेदानी को निकाल दिया जाता है। पर हर स्टेज में, स्टेज 1 हो, 2, 3, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी का बहुत अहम रोल है। तो स्टेज 1 और अर्ली स्टेज 2 के जो मरीज हैं उनके पास 2 ऑप्शंस होती हैं। अगर बहुत अर्ली स्टेज हो तो सर्जरी करा सकते हैं या रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी करा सकते हैं, पर अगर जरा भी एडवांस डिजीज हो या अर्ली स्टेज में भी बल्की डिजीज हो, यानी कि बहुत ज्यादा साइज का डिजीज हो, ऐसी सिचुएशन में रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी इस बीमारी के ज्यादा बेहतर इलाज हैं। अब रेडियोथेरेपी और में काफी इजाद हुआ है, बहुत तरीके की नई रेडियोथेरेपी की टेक्निक्स अवेलेबल हैं जो इसके ट्रीटमेंट को सेफ करती हैं। इसमें पहला रोल है इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी यानी IMRT का। इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी एक कंप्यूटर द्वारा हम लोग एक रेडिएशन प्लान बना पाते हैं जिसमें कि जहां पे बीमारी है, यानी कि गर्भाशय या बच्चादानी, उसके आसपास की कोशिकाएं, वहां पे रेडिएशन सही मात्रा में जाती है, पर उसके आसपास जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि बड़ी आंत या पेशाब की थैली जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, उसको हम रेडिएशन के असर से बचा सकते हैं। ना कि सिर्फ बड़ी आंत, छोटी आंत और बोन मैरो भी इस एरिया में इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी से बचा पाते हैं। इसके बाद दूसरा इजाद हुआ है इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी। बच्चादानी की जो पोजीशन है वो रोजाना तौर पे थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि उसके आसपास के जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके साइज से बच्चादानी की पोजीशन ऊपर नीचे या आगे पीछे हो सकती है। तो सही पोजीशन पे डिजीज फोकस के ऊपर रेडिएशन फोकस करके देना, इसको हम कहते हैं इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी। और इन दोनों से उम्मीद की जाती है कि इससे नॉर्मल स्ट्रक्चर्स जो हैं, आम कोशिकाएं जो अगल बगल हैं, उनको रेडिएशन के दुष्प्रभाव से बचाया जा सकता है। तीसरी चीज है ब्रैकीथेरेपी। ब्रैकीथेरेपी यानी कि इंटरनल रेडिएशन या रेडिएशन जो हम शरीर के अंदर इंसर्ट करते हैं या ट्यूमर के अंदर इंसर्ट करते हैं। बच्चेदानी के कैंसर के ट्रीटमेंट में ये बहुत अहम पार्ट है। इसको करने से हम बच्चादानी को सही रेडिएशन की डोज दे पाते हैं और जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं आसपास, ब्लैडर और रेक्टम, उनको रेडिएशन के असर से प्रोटेक्ट कर पाते हैं। इसमें एक बहुत नया इजाद हुआ है जिसको हम कहते हैं MR बेस्ड ब्रैकीथेरेपी। MR बेस्ड ब्रैकीथेरेपी यानी कि MRI द्वारा सही तरीके से देख के कि कहाँ पे बीमारी है वहां पे रेडिएशन को फोकस किया जाए। ऐसा करने से अभी देखा गया है कि एडवांस्ड स्टेजेस में भी 80% करीब महिलाओं में इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। देखिए, इस बीमारी में रिजल्ट्स ट्रीटमेंट के बहुत अच्छे हैं। स्टेज 1 डिजीज में हम 80-90% लोगों में, लेडीज में एक्सपेक्ट करते हैं कि क्योर पॉसिबल है। 5-year कंट्रोल लगभग क्योर के समान ही समझा जाता है इस बीमारी में, और वो पॉसिबल है। दूसरी और तीसरी स्टेजेस में भी आज की तारीख में 70% महिलाओं में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 70-80% महिलाओं में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। देखिए, कंक्लूजन में मैं आपको जो मैसेज देना चाहूंगी वो ये है कि सब लेडीज को आगाह होना चाहिए कि पैप स्मियर एक आसान टेस्ट है जो उनको हर 3 साल में एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करके कराना चाहिए। पैप स्मियर एक आसान टेस्ट है जिससे गर्भाशय के कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है और अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जा सकता है। तो अपने हेल्थ के बारे में जागरूक होइए। जिस प्रकार से ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अभी बहुत जागरूकता है, अब
लेडीज जब भी ब्रेस्ट में कोई दर्द महसूस करती हैं या कोई गांठ महसूस करती हैं, तो हम लोगों ने ये चीज देखी है कि वो डॉक्टर के पास जाने में देरी नहीं करती है। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले जो हम लोग मरीज देखते थे, वो डरे हुए होते थे, अपनी ब्रेस्ट की गांठ के बारे में बातचीत नहीं करते थे। पर अब ये जो इसके बारे में जागरूकता होने का ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है कि लोग डॉक्टर के पास ब्रेस्ट की गांठ के बारे के को लेकर पहुंचते हैं। पर गर्भाशय के कैंसर, जो हमारे देश का सबसे कॉमन कैंसर है, उसके बारे में लोगों को कम जागरूकता है। और आपको इसके बारे में जागरूक होना और अपनी सेहत के बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है।